है माय नेम इज शीतल सहगल। इस वीडियो लेसन में हम हॉर्मोन्स एंड एनिमल्स पढ़ने वाले हैं। एनिमल माने इसमें हम अपने बारे में भी पढ़ेंगे, हमारे अंदर जो हॉर्मोन है उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आता है कि हॉर्मोन्स होते क्या है। हॉर्मोन्स होते क्या है? बेसिकली दीज आर द केमिकल सब्सटेंस। ये बेसिकली क्या होते हैं? केमिकल्स होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला है कि तुमने देखा होगा स्क्विरल को कितनी तेज़, अगर हम बॉडी का स्क्विरल को देखें तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या फिर नर्व इम्पल्स पर उनकी वो रिलाई करती है, ठीक है। जैसे ही उसको एकदम अवेयर, कितनी अवेयर रहती है स्क्विरल, कितना तेज़ भागती है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ व्हाट, स्क्विरल का इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के बेसिस पे स्क्विरल काम करती है, ठीक है। इफ़ अ केमिकल सिग्नल वेयर टू बी सेंड, इट विल रीच ऑल द सेल बॉडी पार्ट, प्रोवाइड वाइड रेंज ऑफ चेंजेस नीडेड। इसने कहा है कि कोई इमरजेंसी हो गई तो पूरी बॉडी में सिग्नल जाएगा, और पूरी बॉडी में जब सिग्नल जाता है तो काफ़ी सिग्निफिकेंट स्पीड से जाता है, और जाना भी चाहिए, नहीं तो इतनी देर में एक्सीडेंट हो जाएगा, कुत्ता काट जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो रोल प्ले करता है, जैसे एड्रेनलिन कहते हैं, जो एड्रेनल ग्लैंड से सिक्रीट होता है। यहाँ से हमारे हार्मोन स्टार्ट होते हैं। एड्रेनलिन जो होता है हमारे ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीट कर दिया जाता है, डिफरेंट बॉडी पार्ट में जाता है, टारगेट ऑर्गेन और स्पेसिफिक टिश्यू में जाता है। जैसे एड्रेनलिन जैसे हमारी बॉडी में सिक्रीट हुआ तो हार्ट तक जाएगा, हार्ट तेज़ तेज़ बीट करने लग जाता है, जिस कारण से जब हार्ट बीट तेज़ होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी बढ़ जाती है, ठीक है। जो ब्लड है, द ब्लड टू द डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन इज रिड्यूस। अब क्या होगा, ब्लड जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना था वो और जो स्किन में जाना था वो रिड्यूस हो जाता है, और रादर डाइवर्ट हो जाता है स्केलेटन मसल में। डाइवर्ट कहाँ हो जाता है? स्केलेटन मसल में डाइवर्ट हो जाता है। ब्रीदिंग रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? ब्रीदिंग रेट जो होता है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, और हम तेज तेज सांस लेने जाते हैं। तुम देखो जब फाइट एंड फ्लाइट हमारी बॉडी जब कोई भी इमरजेंसी में आती है तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो फाइट करेगी या फिर वो फ्लाइट कर जाएगी, वहाँ से भाग जाएगी। तो इसके लिए एड्रेनलाइन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये एक हार्मोन है जो एड्रेनल ग्लैंड सिक्रीट करते हैं। जैसे ही एड्रेनलाइन हमारी बॉडी में सिक्रीट होता है तो वो टारगेट ऑर्गेन में जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट ऑर्गेन हार्ट है, जिस कारण से दिल जल्दी जल्दी धड़कने लग जाता है। बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे मसल्स में सप्लाई होता है, तो ऑक्सीजन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाने वाला था वो रादर देन हमारे स्केलेटन मसल्स में चले जाता है। ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाता है, और हम उस जो भी सिचुएशन है उससे लड़ सकते हैं, या तो फाइट कर जाएंगे या फिर फ्लाइट कर जाएंगे। हमें देखो, अगर हम देखें हमारी बॉडी डिज़ाइन काफ़ी अच्छे से करा हुआ है नर्व्स और हार्मोन को लेकर, नर्व्स एंड हार्मोन्स के साथ, जिसकी हेल्प से हमारी बॉडी कोई भी सिचुएशन से लड़ती है। अब हार्मोन्स का बच्चों काम सिर्फ लड़ना ही नहीं होता, उसके अलावा भी बहुत काम होता है। एक एक करके सारे हार्मोन्स पढ़ते हैं। फटाफट ये डायग्राम देखो, डायग्राम ध्यान से देखना, आप डायग्राम बेस्ड बहुत क्वेश्चन आते हैं। दिमाग में मटर जैसा देखो, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, ये तीन दिमाग में है, मेल फीमेल में सेम है। ऊपर आता है थायराइड, नीचे आता है पैराथायराइड, उसके नीचे दिल, दिल के पीछे थायमस, फिर उसके बाद देखो किडनी के ऊपर, किडनी के साइड में बगल में ये जो येलो कलर का ऐसा सा ग्लैंड है, हाँ दैट इज पेनक्रियास। टोपी जैसे दो ग्लैंड होते हैं किडनी के ऊपर, एड्रेनल ग्लैंड, और जो डिफरेंट होता है वो देखो ध्यान से, यहाँ पे मेल में टेस्टीज होगा, फीमेल में ओवरी होगा। एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्लैंड के बारे में हमने जो पढ़ना है दैट इज आयोडीन वाला, तो सबसे पहले हम देखते हैं थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन का काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म करना। मतलब हमने जब कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन खाया तो उसको डाइजेशन का काम थायरोक्सिन ग्लैंड है का है, थायराइड ग्लैंड का है, जो कि थायरोक्सिन हार्मोन निकालता है, पहला बात। और ये अच्छे से काम तब करता है जब हमारी बॉडी में प्रॉपर आयोडीन हो। आयोडीन हमें किससे मिलता है? नमक से मिल जाता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? थायराइड ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? थायरोक्सिन सिक्रीट करता है। ये थायरोक्सिन फ्रॉग्स में भी होता है, थायरोक्सिन। अब इसका काम क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन का डाइजेशन करना। प्रोटीन का क्या कर लेना? डाइजेशन कर लेना, गॉट इट। चलो फटाफट आगे देखते हैं।
नाउ समटाइम्स हम देखते हैं कि कुछ लोग बहुत शॉर्ट ले जाते हैं, ड्रॉप रह जाते हैं, और कुछ बहुत ज़्यादा टॉल हो जाते हैं। ये किस कारण से होते हैं? ग्रोथ हार्मोन के कारण से होता है, ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है। पिट्यूटरी कहाँ था? ब्रेन में, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिक्रीट करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है, जिसके कारण से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी हाइट खिंचती है, हम लंबे होते हैं, या फिर अगर इनएफिशिएंटली ये सिक्रीट हुआ तो छोटे ही रह जाते हैं। फिर उसके बाद तुम देखो नेक्स्ट आता है कि हमारी बॉडी में 10 से 12 साल की एज के बाद एक ड्रामेटिक चेंज आने लग जाता है। छोटे बच्चे सारे एक जैसे दिखते हैं, बट वंस एक सर्टेन एज वो अटेन कर ले, फिर तुम आइडेंटिफाई कर लेते हो कि हाँ ये मेल हो सकता है, ये फीमेल हो सकता है। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर। तो ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टीज सिक्रीट करती है, और एस्ट्रोजन, जो फीमेल्स में होता है। तो देखो फीमेल्स में ओवरी एस्ट्रोजन सिक्रीट करेगी और टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट करेंगे, जिससे क्या होगा, जिससे हमें सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर मिलते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा, थायरॉइड के बारे में पढ़ा, ठीक है, और फिर देखो एड्रिनल ग्लैंड के बारे में एकदम स्टार्टिंग में पढ़ लिया था। फिर नेक्स्ट आता है पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज का क्या काम होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। पैनक्रियाज हमारी बॉडी का, पैनक्रियाज ना इंसुलिन सिक्रीट करता है। पैनक्रियाज क्या करता है? पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है? इंसुलिन सिक्रीट करता है। इंसुलिन किस काम आता है? इंसुलिन शुगर लेवल को बॉडी में रेगुलेट करता है। किस काम आता है? हमारी बॉडी का शुगर लेवल रेगुलेट करता है। गॉट इट? तो पेनक्रियाज के बारे में भी हमने पढ़ लिया कि हमारी बॉडी में जब शुगर ज़्यादा हो जाता है तो पेनक्रियाज इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट करेगा। डायबिटिक पेशेंट में ये इंसुलिन का ही सिक्रीशन में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। इंसुलिन इसलिए बाहर से बना बनाया इंसुलिन के लेना पड़ता है इंजेक्शन के फॉर्म में। नेक्स्ट आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको रोकना भी तो पड़ेगा, नहीं तो निकलते ही रह जाएंगे अनलिमिटेड तरीके से। तो हमारी बॉडी में एक फीडबैक मैकेनिज्म होता है। हमारी बॉडी में क्या होता है, इस पे नोट लिखने के लिए आ जाता है, फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट करता है कि जितने हार्मोन निकल रहे हैं उतने रुक भी जाए। मतलब हमारी बॉडी में अगर जैसे शुगर हमने बहुत सारा खाया तो बहुत सारा इंसुलिन निकला, इंसुलिन एक बार सारा शुगर डाइजेस्ट कर लिया तो बस, नाउ वी नीड टू स्टॉप। हम चाहते हैं कि वो इंसुलिन रुक जाए, ठीक है। तो ये फीडबैक मैकेनिज्म हमारी बॉडी में बताता है कि नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। इसमें हमने एनिमल हार्मोन सारे कवर कर लिए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? एड्रेनलिन के बारे में पढ़ा, फिर थायराइड, थायरोक्सिन, और हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेशन का प्रोसेस है, मतलब फूड जो इनटेक कर रहे हैं उसको यूटिलाइज करने का प्रोसेस, थायराइड के बारे में पढ़ा था। एड्रेनल ग्लैंड स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे, एड्रेनलिन फाइट एंड फ्लाइट में हेल्प करता है, टेस्टीज टेस्टोस्टेरोन, ओवरीज एस्ट्रोजन, पेनक्रियाज इंसुलिन, ठीक है, और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, ये हमने सारा पढ़ लिया। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तुम लोग अपना ध्यान रखना, बाय।